टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है असीम पोर्टल। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। विभिन्न क्षेत्रों में कुशल कर्मचारियों की मांग और आपूर्ति के बीच की खाई को पाटने के लिए सरकार ने पहल की है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने असीम पोर्टल लॉन्च किया है। क्षेत्रों और स्थानीय उद्योग की मांगों के अनुरूप श्रमिकों के ब्यौरे को इकट्ठा करेगा यह पोर्टल। कोरोना संकट में विभिन्न राज्यों से अपने घरों को लौटे कुशल श्रमिकों तथा वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश लौटे स्किल्ड भारतीय नागरिकों को नौकरी मिल सकेगी। आइए अब असीम पोर्टल के बारे में जानते हैं। असीम का पूरा नाम आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉई एम्प्लॉयर मैपिंग यानी आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण है। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह पोर्टल वेबसाइट के अलावा मोबाइल ऐप के रूप में भी उपलब्ध है। इसे बेंगलुरु स्थित कंपनी बेटर प्लेस के सहयोग से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC द्वारा विकसित और प्रबंधित किया गया है। इसका उद्देश्य कौशल प्राप्त पारंगत लोगों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के साथ साथ व्यावसायिक दक्षता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। असीम पोर्टल पर वर्कफोर्स मार्केट और कुशल वर्कफोर्स की मांग और आपूर्ति से जुड़े सभी डेटा, ट्रेंड और एनालिटिक्स की जानकारियां होंगी। यह पोर्टल कौशल आवश्यकताओं और रोजगार की संभावनाओं की पहचान करके जानकारी उपलब्ध कराएगा। साथ ही क्षेत्रों और स्थानीय उद्योग की मांगों के आधार पर श्रमिकों के विवरणों की मैपिंग करेगा। यह पोर्टल राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC और इसकी सेक्टर स्किल काउंसिल को रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स प्रदान करने में मदद करेगा। इसमें उद्योग आवश्यकताओं, कौशल अंतर विश्लेषण, मांग प्रति जिला राज्य क्लस्टर, प्रमुख कार्यबल आपूर्तिकर्ता, प्रमुख उपभोक्ता, माइग्रेशन पैटर्न सहित आपूर्ति और पैटर्न जैसी बातें शामिल होंगी। पोर्टल में 3 IT आधारित इंटरफेस हैं। नियोक्ता पोर्टल इंटरफेस, इसका काम नियोक्ता ऑनबोर्डिंग, डिमांड एग्रीगेशन और उम्मीदवार का चयन करना है। डैशबोर्ड इंटरफेस, इसका काम रिपोर्ट, रुझान, विश्लेषण और अंतराल को उजागर करना है। उम्मीदवार आवेदन इंटरफेस, इसका कार्य उम्मीदवार की प्रोफाइल बनाना और उसे ट्रैक करना व नौकरी के सुझाव साझा करना है। पोर्टल के उपयोग और फायदे को देखते हैं। यह पोर्टल नियोक्ताओं को कुशल कार्यबल की उपलब्धता का आकलन करने और उनकी भर्ती योजनाओं को तैयार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देगा। पोर्टल का उपयोग उपलब्ध नौकरियों के साथ कुशल श्रमिकों को मैप करने के लिए मैच मेकिंग इंजन के रूप में किया जाएगा। पोर्टल और ऐप में नौकरी की भूमिकाओं, क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए पंजीकरण और डेटा अपलोड का प्रावधान होगा। स्किल्ड लोग ऐप पर अपनी प्रोफाइल पंजीकृत कर सकेंगे और अपने करीब के क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की तलाश कर सकेंगे। यह पोर्टल नीति निर्माताओं को विभिन्न क्षेत्रों में उद्देश्यपूर्ण कार्य करने में मदद करेगा। आइए अब नोट करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है, असीम पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पोर्टल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।